और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, पाकिस्तान से इमरान के बाद शहबाज शरीफ बनेंगे पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के नए पीएम होंगे शहबाज शरीफ। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं शहबाज शरीफ और एक वक्त में पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब प्रधानमंत्री लेवल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है शहबाज शरीफ की, प्रोटोकॉल उन्हें मिलने लगा है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी वाला। और पाकिस्तान की सत्ता से अब इमरान खान का जाना तय हो चुका है, अपने करीबियों के साथ बैठक कर रहे हैं इमरान खान नियाजी और कैसे एग्जिट किया जाए इसी पर मंथन हो रहा है। खबरें तो यहां तक आ गई कि कल सुबह लंदन या फिर दुबई छोड़कर भाग सकते हैं इमरान खान। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, पाकिस्तान के सियासी भूचाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर, इमरान से मिलने पहुंचा सेना प्रमुख जनरल बाजवा। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, बाजवा के साथ आईएसआई का डीजी भी इमरान खान के घर पर मौजूद, सेना के कई बड़े अधिकारी इमरान खान के घर पर इस वक्त मौजूद हैं और इमरान खान की आवाज को पाकिस्तान की फौज ने घेर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से सियासी भूचाल से जुड़ी बड़ी खबर, जनरल बाजवा की एंट्री की इमरान से मिलने के लिए सेना प्रमुख जनरल बाजवा इमरान खान नियाजी के घर पर, और घर पर ही आईएसआई का डीजी भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की सेना के कई बड़े अधिकारी इस वक्त इमरान खान के आवास पर हैं और ये बड़ी खबर इस लिहाज से भी क्योंकि जब जब पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल हुई है सबसे बड़ा रोल अगर किसी का रहा है तो वो पाकिस्तान की आर्मी का रहा है। इतिहास को आप देख सकते हैं, जनरल नियाजी से लेकर परवेज मुशर्रफ तक कैसे पाकिस्तान में जब तख्ता पलट होता है या कोई पार्टी सत्ता तक पहुंचती है हुकूमत करने के लिए तो कैसे आर्मी के साथ या तो उन्हें तालमेल बैठाकर चलना होता है, अगर आर्मी से भिड़े तो उसके बाद उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ता है।